मुजारी साहब, अब आप क्या कह रहे थे वो जब मुजारी नाम भाई कैसे हैं? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ अपने चैनल एओ व्लॉग्स पर, और आज एक न्यू मजेदार सी वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। बैक टू बैक चौथा दिन है और चौथा व्लॉग बना रहे हैं। आज सुबह के तकरीबन बज रहे हैं 8। आप भी सोच रहे होंगे आज इतनी जल्दी सुबह सुबह उठ गए भाई, सुबह सुबह ही व्लॉग स्टार्ट कर लिए। जी हम जा रहे हैं दोस्त के पास, दोस्त का भाई आ रहा है दुबई से, तो उसे लेने जाने एयरपोर्ट से। अकेला मैं ही नहीं जा रहा, साथ समी भी है, साथ अहमद भी है, और सबसे मिलवाएंगे आगे जाके। अभी घर से ही निकले थे। समी भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए। अच्छा, व्लॉग बन रहे हैं? जी जी व्लॉग बन रहे सर। सुबह सुबह का वक्त है, रेस ना हो जाए एयरपोर्ट रोड ना। माफ करे, हमारे दोस्त फरहान के भी ना पता नहीं अजीब अजीब से शौक हैं भाई। एक आ रहा है, उसका गाड़ियां चार जा रही है, एक ब्लैक लिस्टेड आगे पूछो, और समी पीछे आ रहे सिटी पे। तो हमने अपने दोस्तों को अब ले लिए साथ अपने। यार मेरे को रेस लगानी थी भाई, आपने मुझे अपने साथ बिठा लिया। अभी रोडों पे मैं दिखाता तुम्हें। यार बात इतनी सी है, ऑडियंस से आप फर्स्ट टाइम मिले इस व्लॉग में। हाँ। सुबह सुबह का वक्त है, कोई नेकी कमाए, कोई इस्लाम दुआ ले, फिर आप आगे बोले। मैंने करना था फुल टोके ड्रिफ्ट बनानी थी मैंने। और सुजय साहब के पीछे बैठे हुए इनके भतीजे पोतरे, मेरा पोतरे तेरा भतीजे पोतरे। सुजय साहब रेस का क्या सीन है जो मैंने आपको कल प्लान बताया था? अभी प्लान बताना नहीं है आपने ऑडियंस को। ठीक है ठीक है, रेस लगाएंगे, सबको बॉयज को बुलाते हैं, बाकी सारे आए पड़े हैं। अच्छा रेस होगी, आज मजा आएगा, फिर से होगी। न्यू ईयर पे कितना आखिरी दफा रेस हमने? हाँ हाँ न्यू ईयर की रेस थी, आज फिर लगाते हैं रेस। अभी तो उस तरह माहौल तो नहीं बना लड़कों का, पर करते हैं आज सही। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये छोटी छोटी इनकी अपनी मजाक चल शुरू हो गए रास्ते देने वाले। बॉस और पूछो मुकाबला चल रहे। बॉस भी भाई जान, बॉस ऐसी वैसी बात नहीं है, बॉस भी ट्यून्ड है, के ट्यून्ड है। बॉस पे इतने की बॉस नहीं जितने भी हमने बॉस पे खर्चा कर दिया है। सही बात है। लोग में से और समी साहब को भी अचानक से कोई मसला पड़े, ये साथ साथ आ गए, इन्हें रुकना पड़े, आगे गाड़ी आ गई थी, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, तो पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं। यार ये क्या तरीके है, आउट वाली जगह से तुमने इन कर दी है, हम सबसे अलग खड़े हैं, बाकी सारे वो खड़े नजर नहीं आ रहा। यार देखो हम सबसे अलग है ना। हाँ। अब ये गाड़ी वाले अंकल जाएंगे, उसके बाद हम सुकून से पेट्रोल दिखवाएंगे। अबे भाई हम रोंग है, रोंग आए हुए। चलो गाड़ी सही कर यार, कहाँ लेके। एयरपोर्ट तो पहुंच चुके हैं, तकरीबन सामने ही है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि अंदर जाने देते भी हैं कि नहीं, हैं तो अलग अलग शायद जाने दें। जैसे चाचू आ रहे हैं उन्हें लेने जा रहे हैं। बात ये है कि हम सबने प्लान बनाया कि ये नहीं बताएंगे कि हम किसके पास जा रहे हैं, ठीक है ना। किसी का चाचू है, ठीक है, और आपके तो अब्बू है ना, आपके तो अब्बू आ रहे हैं। पापा दे लिया, मैं हूँ पापा दे रहा बहुत रहे भाई साहब। मुल्तान में इतनी कोई सख्ती नहीं होती है, एयरपोर्ट पे आराम से आने दिए इन्होंने। हमारी ब्लैक लिस्टेड भी आ गई है, ब्लैक लिस्टेड भी आ गई है। जिसका मैं डरता कि नहीं आ पाएगी। सुजीत हाँ भाई, तो इधर क्या कह रहे? यार मैं आया हूँ यहाँ पे ब्रो, अपने दोस्त के भाई को। ब्रदर आपको तो एयरपोर्ट के अंदर होना चाहिए था। क्यों? आप जहाज नहीं हो यार। कट 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 बेइज्जती हो रही है, कट। कहाँ गए सारे? अब हम एयरपोर्ट तो एंटर हो गए, अंदर बंदे ही नजर नहीं आ रहे जिनको लेने आए हुए। राफे, अहमद, फरहान, कहाँ हो यार मेरे दोस्तों, किधर हो? ओए जट बदे खजान जा रहा है। खजान भाई वो हाथ भी ला रहे। खजान भाई, फरहान भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई जान। फरहान भाई इतने आप खुश क्यों हैं आज? यार बड़ा भाई आ रहा है यार, बहुत दिनों बाद मैं बहुत खुश हूं अल्लाह की कसम। अच्छा तेरा भाई आ रहा है? जी हाँ। आपको नहीं पता यार, सारे आए हैं, सबसे पूछ सकते हो। नहीं एक मिनट, एक मिनट, तेरा भाई जो आ रहा है उसके लिए तुम लोग पान पिलाए? यार वो सब मैंने, हमारे रिवाज है हमारे में कि जो आते हैं ना मुंह मिटा कर आते हैं। अभी सुबह सुबह रसगुल्ले नहीं मिले, हफ्ते बाद जब मैं आऊंगा तो मुझे भी खिलाओगे? जी जरूर। अहमद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र सर। सर आप हर वक्त दुखी क्यों रहते हैं हमारे व्लॉग्स में? आपकी वजह से लोग हमारी वीडियोज नहीं देखते। यार दुखी इसलिए रहता हूँ, दुख रहना भी किसी के काम होना चाहिए। देखो भाईजान बंदा सोदिया से आ रहा है, हम उसके लिए क्या लेके आए? पान। पहली तो बात ये सोदिया से आ रहा है, उमरा करके नहीं आ रहा है? नहीं, घर में किसी ने हज नहीं करने गया था, बिजनेस करके आ रहा है। बिजनेस जानी आपके घर वाले और आपको ही नहीं पता। अच्छा अहमद भाई वापसी आप पे आते हैं सर।
सर आप बता रहे थे कि आप इतना दुखी क्यों रहते हैं? अबे एक इंसान को दुखी रहना चाहिए ग्रुप में। अच्छा रिदम कायम रहता है, रिदम यू नो। लेकिन ऑफ द कैमरा ये बंदा सबसे ज्यादा बोलने वाले कैमरा शाइनर सर। जट साहब भतरीजा हमारा हमारा भतरीजा कैमरा ब्लाइंड है सर। सही बात है, सही बात है। ये हमारे हैं भतरीजे। आई लव यू अब्दुल्ला भाई, आई लव यू। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं बड़े भाई को लेने आया हूँ फरहान रूफ के। अच्छा तो साथ मिलकर अच्छा लगा। अच्छा हाँ जी पुत्र जो तेरा काम है ना एयरपोर्ट पे वो कर, चल झाड़ू पकड़ सफाई कर। झाड़ू ला वापस जी। सुजी इधर आओ, पैसे डॉलर में लूंगा। आपका बेटा गलत गलत बातें करे। पुत्र क्या कह रहे हैं? पैसे मैं डॉलर में लूंगा यार, पोचा मारूंगा। निकल इसको दिरहम दे, दिरहम दे। अभी तो खुद जेब में पैसे नहीं है। इसको रियाल देता हूँ मैं, रियाल रियाल लेना। हमें प्यास लग रही थी तो हम आ चुके हैं एयरपोर्ट के कैंटीन पे। पानी इस वाला पानी सोमे लेने यार, छोटी ये तो लोकल है, कोई अच्छी वाली दो। ब्लॉगर है आपको नहीं पता क्या कह रहे भाई? थर्स्टी क्रो, एक कवा प्यासा था। आगे क्या था भाई? फेल था मैं तो, मेरी भी सपली थी। ला 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 मोहम्मद रसूलल्लाह। ए ऐसे बंदों ने मुंह लगाया ना पानी में। शेख साहब आपके लिए पान लेके आए स्पेशल। थैंक यू, लव यू, लव यू। बुरा नहीं लगा? बुरा नहीं। देखो फरहान जेब में चेक करवा अपनी। नहीं जेब में कुछ नहीं, मैं भी कहा नहीं है। नहीं उसकी जेब में। अहमद ओए बिग स्कैम, बिग स्कैम। अहमद की जेब में है। अहमद जरा जेब चेक करा। अहमद भी अमीर है इस वक्त भाई जान, बेहतरीन जेब में रख ले, ऐसे कस्टम वाले ना आ जाए। दारी साहब अभी आप क्या कह रहे थे? वो जब वो जा रही थी मैंने देखा ना एक टिकटॉक वीडियो देख रही थी, लड़की ना मास्क पहन के कहती मास्क तब नहीं जोगी सो के हो जाएंगे, सो के बाद कह रहे ऊपर कर दिया मार में उसके सो के का वेट कर रहा। पेट्रोल खत्म हो, पेट्रोल बहुत महंगा। भाई को ले लिए एयरपोर्ट से और अब चलने लगे हैं वापसी घर। नाश्ता नहीं किया भाई, नाश्ता कौन करवा रहे हैं? नाश्ता कौन करवा रहे हैं? नाश्ता ओए नाश्ता फरहान ने करवाना था। ये मुकर जाके इसको करते हैं जाके। फरहान की रात को मुझे कॉल आई थी, कहते यार दो तीन बंदे आना, पहले नाश्ता करवा दूंगा उसके बाद फिर चलेंगे। ये शेख है, ये मर जाएंगे, नाश्ता नहीं करवाएंगे। मैं इस कॉम को मैं जानता हूँ, मैं तो बचपन का दोस्त है ये, तुम्हें तो अब टकरे यार। मुबारक हो सर, आप पाकिस्तान है बैंकरप्सी वाले मुल्क में। फरहान ने कोई हैवी नाश्ता करवाया था, उसके बाद केक शेक काटे, फटी साहब को घर छोड़ के अपने घर जाते हैं। और अभी फटी खत्म नहीं हुई, अभी हमने फिर से जाना है गाड़ी बनवाने, और किसकी? तैयब साहब की, क्योंकि उनकी गाड़ी की इंजन लाइट आई हुई है, तो वो भी शायद इस व्लॉग में ही आपको देखने को मिले। अभी मामू बाहर आए हैं तो यहाँ पे ग्राउंड में कुछ लोग आए हुए हैं जो घर नहीं जा रहे वापसी। अनीजा हाय, अनीजा कैसी हैं आप? वाओ बैट बॉल खेल रही हैं आप। आजकल ना हमें रोजारिया का कंटेंट मिला हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले ही दोस्त के भाई को एयरपोर्ट से लेके आए थे और हमारे पास नेक्स्ट बंदा तैयब आ चुके हैं। तैयब भाई कैसे हैं आप? ठीक है, मैं फिट। तैयब भाई की गाड़ी में आई हुई है इंजन की चेक लाइट, जो कि आज की नहीं आई हुई, तकरीबन 15-20 दिन होने वाले हैं, इसलिए गाड़ी आपको नजर भी नहीं आ रही थी व्लॉग्स में। तो अभी जा रहे हैं सुजुकी के शोरूम, वहाँ जाके चेक करवाते हैं और इसकी ट्यूनिंग वगैरह भी करवाएंगे आज। अगर ये चेक लाइट है तो फिर ट्यूनिंग वगैरह भी होगी लाजमी। रात को ना हम जब जैसे मैंने व्लॉग एंड किया था ना पिछला, तो चले गए थे ज़रा बाहर बाइक्स पे घूमने फिरने दोस्तों के साथ। तो वहाँ पे बाइक्स पे जाते जाते ना बहुत ही दूर चले गए थे मुल्तान से बाहर, तो सर्दी लग गई जिस वजह से नाक फुल बंद हो गया। यार खाने वाली वो अपना सिटी हाउसिंग सोसाइटी से आगे वो बंद बॉस नहीं आता, वहाँ चले गए थे। बड़ा मजा आया था, लेकिन बाद में पता लगा कि तबीयत भी खराब हो रही है। इस तरह नहीं, अड्डा बंद बॉस है, उसके बाद ब्लॉच हो गए।
आई थिंक सो, लेकिन जो भी है वहाँ ही गए थे। इंजन की चेक लाइट आ रही थी, चेक करवाने चले गए सुजुकी, और वहाँ पे जब उन्होंने कंप्यूटर लगा के चेक किया तो उसमें वो बता रहा था कि कैटलेटिक कन्वर्टर में इशू है। तो कैटलेटिक कन्वर्टर साफ होता होता है जो कि सुजुकी से बहुत महंगा, इसलिए हमने सोचा कि बाहर से करवा लेते हैं। और इसका कोई गैस पाइप होता है उसमें भी इशू था, ऑक्सीजन सेंसर था अपना। हमारे दोस्त थे यहाँ पे, उन्होंने हमें मशवरा दिए कि लाहौर में बिलालगंज है, वहाँ से जाके ना आप ये दोनों चीज़ें न्यू दिलवा लें अगर आपने गाड़ी रखनी है। अगर ये सेल करनी है तो फिर तो ऐसी क्या, हाँ रास्ता साफ है। तो जी बस अभी गाड़ी की बेल्ट लूज हुई हुई थी, वो टाइट करवाई है और आप जा रहे हैं जी आगे। एक और काम है, गिटार की तारें टूटी हुई है वो बनवानी है, यू नो फिर रॉकस्टार तैयब भाई। हाँ तैयब की तबीयत खराब थी, अभी तक खराब है बेचारा, कुछ भी नहीं खा सकता। एक हम डाइटिंग में हम कुछ नहीं खाते और भाई साहब भी कुछ नहीं खा रहे आजकल, बस भी खा लिया। सही बात है, गिटार भी शॉप पे दे दिए, दो दिन बाद मिल जाएगा। तो आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।